ये पहली बार दिया गया, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड है। यूएन हैबिटेट अवार्ड जो है वो ओडिशा के जागा मिशन को मिला है, स्लम उन्नयन मिशन था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम दैवक पुरस्कार जो है डॉक्टर तपन सेके को मिला है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर आपके स्पेशलिस्ट है, ध्यान रखिएगा। गोल्डन कैलाशा जो अवार्ड है उनानेरा फिल्म को मिला है, राजस्थानी फिल्म है ये, और निर्देशक है इसके दीपांकर प्रकाश, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 71वां मिस यूनिवर्स जो अवार्ड है वो बॉनी गैब्रियल को मिला है, यूएसए की रहने वाली है। इससे तो पिछले वाला जो है वो हरनाथ संधु भारत को मिला था, ठीक है। नंबर वन पुलिस थाना जो अवार्ड है वो अस्का पुलिस थाना गंजाम जिला उड़ीसा को मिला है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 जनवरी को प्रदान करते हैं, इसको संस्थागत श्रेणी के अंदर ओडिशा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है। इसके अलावा लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम जो है इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। पद्म विभूषण 2023 6 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है, श्रीनिवास वर्धन अमेरिका के हैं। इसके अलावा बालकिशन दोषी गुजरात के, आपके आपके वास्तुकला संबंधित है, अभी हाल ही में निधन हुआ, जाकिर हुसैन तबला वादक है, महाराष्ट्र के रहने वाले, ठीक है। एस एस कृष्णा कर्नाटक के दोस्तों आपके रहने वाले हैं। दिलीप महानोबिस अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये आपके पश्चिम बंगाल के ORS की घोल करने वाले, और मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के रहने वाले, अभी हाल ही में निधन हुआ। 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, श्रीनिवास, बालकिशन दोषी, जाकिर हुसैन, एस एस कृष्णा, दिलीप महानोबिस और मुलायम सिंह यादव। आगे देखिएगा ग्रैमी पुरस्कार जो है म्यूजिक के क्षेत्र में प्राप्त होता है, इस बार रिकी केज को मिला है और ये तीसरी बार जो इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। इनका एल्बम कौन सा है, डिवाइन टाइटंस जो है ये इनका एल्बम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार पूछा आपसे, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है डॉक्टर पैगी महन को दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार जो है वो पत्रकार एबीके प्रसाद को दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हरियाणा पुलिस को मिला, इस बार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है सचिन जेंदन को प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मार्कोनी पुरस्कार इसको दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये इस बार कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन जो है इनको प्राप्त हुआ। इसके बाद देखिएगा ऑस्कर अवार्ड 2023 अति महत्वपूर्ण सवाल, इस बार 95 नंबर का था, लॉस एंजल्स प्रदान करता है इसके अंदर, इसे एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले तो सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड है वो द बहेल फिल्म के लिए ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया, आपको एक्टर का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर को प्राप्त हुआ है, द बहेल फिल्म के लिए प्राप्त हुआ है, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिशेल योह को प्राप्त हुआ है, ये पहली एशिया की आपके महिला है जिनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो है इस फिल्म को प्राप्त हुआ है। बेस्ट सॉन्ग अवार्ड जो है नाटो नाटू को प्राप्त हुआ है, RRR फिल्म है, MM किरवानी संगीतकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का जो अवार्ड है द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है, और कार्तिकी गोंजालविस जो है ये इसके निर्देशन है, आपको ध्यान रखना है। भारत को इस बार दो ऑस्कर अवार्ड मिले, बेस्ट सॉन्ग अवार्ड जो है और बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है ये भारत के खाते में गए, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला है फीफा दोस्तों, अगर पूछे आपसे गोल्डन बॉल अवार्ड फीफा आपके वर्ल्ड कप के अंदर लियोनेल मेसी को मिला, अर्जेंटीना के खिलाड़ी है, ठीक है। गोल्डन बूट जो अवार्ड है किलियन एम्बापे को मिला, कहां के दोस्तों आपके, ये फ्रांस के खिलाड़ी थे। अगर पूछे आपसे फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 से कौन है, वो लियोनेल मेसी हो गए। अगर पूछे आपसे सर्वश्रेष्ठ आपके पूछे आपसे फीमेल प्लेयर कौन है, तो वो एलेक्सिया पुटेलेस है, स्पेन की है, ये आपको बायोटेक जो कंपनी है हैदराबाद वाली जिसने कोवैक्सीन बनाई थी इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया 2023 अवार्ड पूछे आपसे, राजस्थान की जो नंदिनी गुप्ता है इनको इस बार जो अवार्ड प्राप्त हुआ है। संतोखवा मानवतावादी से पुरस्कार पूछूं आपसे, लद्दाख के जो सोनम वांगचुक हैं इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये सेकंड बार प्राप्त हुआ है, पहली बार प्रधानमंत्री साहब को मिला था और सेकंड बार जो है वो आशा भोसले जी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड पूछूं आपसे, ये पावर ग्रिड जो कॉर्पोरेशन है जो भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है उसको कौन सा अवार्ड मिला है, ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड अगर पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में मुंबई में इसका आयोजन हुआ था, 68 नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड था, फिल्म कौन सी है, गंगूबाई काठियावाड़ी से पूछे आपसे, एक्टर कौन है, आलिया भट्ट है, इसी फिल्म की आपकी एक्ट्रेस है, एक्टर कौन है, राजकुमार राव है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रेम चोपड़ा को प्राप्त हुआ है, ठीक है। अरे नंगा नहाएगा क्या।